इस बार किसकी होगी मेयर की कुर्सी? जनता के हाथों में मिली मेयर चुनने की जिम्मेदारी। इस बार मुकाबला कुछ अलग। मेयर संभावित उम्मीदवार अंजू सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पटना की जनता, अच्छी सीट है मेयर सीट के लिए, मैं खड़ी हो रही हूँ। उसमें अपने जितने भी है गली मोहल्ले के बीच, जनता के बीच अपनी बात को रख रहे। पटना मेयर के पद पर उम्मीदवारों को जिताने का काम सीधे जनता के मत से होगा। इस बात को ध्यान में रखकर धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ DSS की पटना मेयर की संभावित उम्मीदवार अंजू सिंह के लिए धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी योगेश के नेतृत्व में मोहल्ला जनसंपर्क अभियान का शुभारम्भ किया गया। इसके तहत आज वार्ड 62 के जंगली प्रसाद लेन मोहल्ले में आम जनता के बीच पटना मेयर पद पर संभावित प्रत्याशी अंजू सिंह के लिए विचारों का आदान प्रदान किया गया। इस अभियान को पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में चलाया जाएगा और पटना की मेयर कैसी हो, पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, उस हर समस्या को भी सुनी जाएगी। स्वर्ण रानी के साथ पटना सिटी से न्यूज टीम की रिपोर्ट। अंजू सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेयर संभावित उम्मीदवार अंजू सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पटना की जनता जिंदाबाद। गली मोहल्ले घूम रही हूँ, महिला अच्छी सीट है मेयर सीट के लिए, मैं खड़ी हो रही हूँ। उसमें अपने जितने भी है गली मोहल्ले के बीच, जनता के बीच अपनी बात को रख रही हूँ और उन्हें मैं कह रही हूँ कि समर्थन कीजिए। मुझे मोहल्ला वासियों के ओर से बहुत सारी समर्थन मिल रही है और सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। क्या नाम है आपका? अंजू सिंह, समाज से भी अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी DSS की एक बैठक की थी और DSS की बैठक में हम लोगों ने यह बात रखी थी कि अगर पट्टा का जो मेयर पद है वो अगर महिला आरक्षित होगा तो हम लोगों की उम्मीदवार जो है अंजू सिंह होंगी। तो यह संभावना पूरी तरह से हो गया है कि पट्टा का जो मेयर पद है वो महिला के लिए आरक्षित होगा। उस अवस्था में हम लोगों ने आज से मोहल्ला में घूम घूम करके जो मेयर पद का जो सीधे जनता चुनने जा रही है उसकी उम्मीदवारी कैसी हो और उसका उम्मीदवार कैसा हो, तो इसके लिए हम लोग जो अपने उम्मीदवार अंजू जी के साथ आज जंगली प्रसाद लेन, जीतू लाल लेन, जो हमारे जो वार्ड के जो मोहल्ले हैं उनके जो मतदाता हैं उनसे हम लोगों ने जनसंपर्क का शुरुआत किया है। इसका नाम रखा है हम लोगों ने मोहल्ला अभियान। और यह जो मोहल्ला अभियान है इसके तहत हम लोग हर वार्ड में हमारी जो मेयर उम्मीदवार हैं महिला अंजू सिंह समाज सेविका, उनको हम लोग लेकर के जाएंगे और जनता से सीधे रूबरू कराएंगे कि आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। आप इन्हें भी जांचें और परखें और मौका दें।